हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो लिब्रा राइटर का है। लिब्रा राइटर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड के लिए अवेलेबल है नेट पर, ठीक है। आप नेट से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर लिनक्स में प्रयोग में लाया जाता है। इसके पूरे पैकेज का नाम है लिब्रा ऑफिस, ठीक है। और ये लिब्रा ऑफिस जो है लाइक एमएस वर्ड हम लोग यूज करते हैं, एमएस ऑफिस यूज करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो सेम यही काम करता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां से मैंने कॉपी करा और यहां से एक न्यू पेज ले लेता हूं। न्यू पेज लेने की शॉर्टकट की इसमें भी कंट्रोल एन ही होती है। यहां से कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो यहां पर न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आप चाहे फॉन्ट जो भी चूज कर लीजिए, यहां से फॉन्ट चूज करने की पूरी आजादी है आपको। यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे फॉन्ट आपको मिल जाते हैं, तो यहां से चाहे तो आप फॉन्ट भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चाहे वो फॉन्ट चूज कर लीजिए, मैं फिलहाल यही रहने देता हूं। और यहां पर अब इसको पेस्ट करता हूं कंट्रोल वी से, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी यहां पर भी होता है, कुछ चीजें यहां पर अलग है तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें सेम ही होंगी, ठीक है। सेटिंग पेज की सेटिंग करना मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं, तो अभी हम क्या करेंगे, यहां से इसको पेज सेटिंग कर लेते हैं। पेज सेटिंग कैसे करेंगे, पेज सेटिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम पहले कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम इसकी साइज बढ़ाएंगे तो 15 कर लेता हूं साइज, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर जो स्पेस है इसको भी हम रिड्यूस कर लेते हैं। कैसे रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने का सेम वही तरीका, यहां पर फॉर्मेट पे जाना है और यहां पर मिलेगा आपको पेज, तो इस पेज पे चले जाना है। और जैसे ही पेज पे जाएंगे तो क्या होगा, एक विंडो खुल करके आएगी न्यू, यहां से आप कर लीजिए पेज सेटिंग, ठीक है। यहां से मैं कहां जाऊंगा, ये हमें टॉप में स्पेस को रिड्यूस करना है, तो यहां टॉप में जा करके और यहां से इसको रिड्यूस कर लिया, ओके किया, अप्लाई किया, तो अब देखिए यहां पर ऊपर में स्पेस जो आ रहा था वो कम हो गया है, ठीक है। अब चलिए यहां से चलते हैं फॉर्मेट पर, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है यहां पे चलना है। और ये देखिए यहां पर मिल जाता है आपको वाटरमार्क, हमें वाटरमार्क ही लगाना है, तो यहां वाटरमार्क पे करेंगे क्लिक। तो यहां पर जैसे ही वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाता है कि आप कौन सा टेक्स्ट यूज करना चाहते हो और विथ विच फॉन्ट, कौन से फॉन्ट के साथ कौन सा टेक्स्ट यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहां पे दे देता हूं अपना नाम, ठीक है, ये लिखा मैंने अपना नाम। और यहां पर अपना नाम लिखने के बाद कौन सा कलर चाहिए आपको, ठीक है, यहां पे कलर के कोड भी दिए गए हैं। और यहां से अगर मैं ग्रीन कलर ले लेता हूं, और यहां पर आप एंगल सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे 45 डिग्री बाय डिफॉल्ट इसमें सेट है, थोड़ा इधर उधर भी कर सकते हो इसको। और ट्रांसपेरेंसी 50% है, चाहे तो घटा बढ़ा भी सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां से करके इसको मैं 50 ही रहने देता हूं, ट्रांसपेरेंसी 50 सही है। और यहां से अब करना है आपको ओके प्रेस, ठीक है। ओके जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये यहां पर सूरज लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरह से करके आप वाटरमार्क लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजिंग करनी है या कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, तो यहां फिर चले जाइए वाटरमार्क पर, ठीक है। और यहां पर आप नाम चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं, सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। यहां पे अगर मान लीजिए यहां पे मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे देता हूं, द शाइन इन इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये दे दिया हमने। और यहां पर कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहां पे सपोज कीजिए ये कलर मैं लगा देता हूं और यहां पर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता हूं, ठीक है, इंक्रीज कर दिया 55, 56, 57, 58, 59, 60 कर देता हूं, ठीक है, 60 कर दिया। और यहां पे चाहे तो फॉन्ट भी बदल सकते हैं आप, जो आपको ठीक लगे वो फॉन्ट ले सकते हैं आप, ओके कर दीजिए। ये इस तरह से आया हुआ है, आप देख सकते हैं ये कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो ये वाटरमार्क वाली बात उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।